नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप उसका एटीएम पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। एटीएम पिन हम जनरेट करेंगे, वो भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। पिन जनरेट करने के बाद हम देखेंगे हम जो पिन जनरेट किए हैं क्या उससे ट्रांजेक्शन हो रहा है या मिनी स्टेटमेंट निकल रहा है या नहीं। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए SBI। SBI को टाइप करने के बाद जो ये फर्स्ट लिंक लिख रहा है आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ कैप्चा डाल दीजिए। अगर आपको यहाँ कैप्चा नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप रिफ्रेश मार लीजिए। ये सारा चीज़ डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए हम सारा डिटेल आपके सामने फिलअप करते हैं। हम अपना इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर ई सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, ई सर्विस पे क्लिक कर देना है। ई सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। एटीएम आपको यहाँ पर लिख रहा है एटीएम पिन जनरेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एटीएम पिन जनरेट पर यहाँ पर देखिए टू ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट दिस मोड यूजिंग वन टाइम पासवर्ड यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो आप अगर आपको OTP के जरिए आपको पिन जनरेट करना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड के थोड़ा पिन जनरेट करना है तो आप इस मेथड से जनरेट कर सकते हैं। हम वन टाइम पासवर्ड के जरिए अपना पिन जनरेट करेंगे। देखते हैं रजिस्टर मोबाइल पर मेरा OTP आते हैं। OTP डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मेरा A1 अकाउंट है, तो देखिए A1 अकाउंट आ गया। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ये कार्ड आ गया। आप कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद लिख रहा है इंटर फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ योर डिजायर पिन। बोल रहा है कि आप कोई भी 2 डिजिट यहाँ डालिए, तो 2 डिजिट हम कोई भी यहाँ डाल देते हैं, 2 डिजिट डाल देते हैं। आप बोल रहा है कि आप 2 डिजिट डाल दिए हैं, अब 2 डिजिट आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। कोई भी अगर वो नंबर आपके पास चला गया तो दोनों 2 डिजिट आप पहले डाले हैं और 2 डिजिट आपके SMS पर है, दोनों 4 डिजिट यहाँ पर लिख दीजिए, वहीं आपका पिन नंबर हो जाएगा। ध्यान से आप इस तरह स्टेट बैंक का ATM पिन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो देखिए मेरे पास पिन आ गया। हम इस पिन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ई पिन आ गया। देखिए हम यहाँ पर ये डाले थे, ये डाल दिए, अब सबमिट किए, अब हो गया। देखिए लिख रहा है ATM पिन जनरेट है, न्यू ATM पिन नंबर हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। देखिए आपके पास ये SMS आ गया। अगर आपके पास ये SMS आया तो सोच लीजिए अगर आपका इथी हो गया, ATM पिन जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर इस प्रकार का एक SMS आ गया है, इस SMS से जान जाए। अब ATM से हम मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देखते हैं जो पिंस बनाए उसे काम कर। नमस्कार दोस्तों, तो हमने बताया था कि ATM कार्ड का हम जो पिन जनरेट किए हैं क्या उस कार्ड का ATM पिन जनरेट काम कर रहा है कि नहीं, उस पिन काम कर रहा है कि नहीं। चलिए हम ATM पिन या CSP में उसका इथ निकाल करके देखते हैं। देखिए हम अपना कार्ड यहाँ से इंसर्ट किए हैं, कार्ड देखिए इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हम अपना यहाँ पर पिन डालें। पिन डालने के बाद देखिए हम अपना कार्ड इंसर्ट किए हैं। इंसर्ट करने के बाद देखिए लिख रहे हैं कनेक्ट टू द सर्वर। इसके बाद ये बताएगा कि आपको
कि आपका जो पिन बनाए हैं वो गलत बनाए हैं कि सही बनाए हैं। देखिए आप रिमूव कार्ड, आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर में कुछ सेकंडों में आपके सामने देखिए मिनी स्टेटमेंट आ गया, देखिए ये शो कर देता है।